नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है बेटा, ए बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन, मतलब वेट डायरेक्टली दे दिया 2000 न्यूटन, इस टू बी स्लोली, ये इम्पोर्टेंट है, स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.2 मीटर विद द बॉक्स। तो आपको बताना है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो पहले सिचुएशन को मैं कोशिश करता हूँ क्या ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सरफेस होगी, रफ सरफेस, ठीक है, और एक चेन की हेल्प से इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है। मान लेते हैं ये फोर्स कितना है एफ, और ये एंगल दे दिया है हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपको दे दी है 0.2, और वेट, वेट का मतलब एम जी की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है इसने, कितना 2000 न्यूटन, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है, और कौन कौन सा फोर्सेस इस पे लगेगा, तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना, एक एम जी नीचे की तरफ, एक क्या लगेगा अगर स्लाइड कर रहा है स्लोली लेकिन ले जा रहे हैं ना, तो अब स्लोली का मतलब समझ में आना है। स्लोली का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो यही आपको समझना है, स्लोली जब भी लिखा रहे तो इसका मतलब ये समझना है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, अप्रॉक्स कांस्टेंट है, मतलब निगलिजिबल वेलोसिटी के साथ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस को भी रिजॉल्व कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये जो फोर्सेस दिख रहे हैं इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ दोनों जगह। तो एक तो इधर आ जाएगा कितना, एफ कॉस थीटा, और एक इधर कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्योंकि स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, तो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स शुड भी इक्वल होना चाहिए। एंड वर्टिकल में अब नॉर्मल जो है एम जी के इक्वल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एम जी के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रिक्शन में किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो रिजल्ट डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। फ्रिक्शन में आपने किया होगा क्या क्या किया था इससे रिलेटेड, एक तो वहाँ पे सवाल किया था कि मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, है ना, ताकि ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जा सके। तो वहाँ पे आया था निकल कर मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू आई थी, एफ मिनिमम दैट इज इक्वल टू कितना आया था, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आया था मिनिमम फोर्स, है ना। एंगल भी आया था, एंगल निकल कर आया था थीटा इक्वल टू कितना आया था निकल कर, टेन इनवर्स म्यू, और ये थीटा कहाँ से आया था, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से। ये था मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी तो यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें नहीं है, मतलब इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है एक बार, है ना। और ये मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्लेलिस्ट में मैं आपको बता दूँ, ये मैं अभी देख ही रहा था कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ये बेटा आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देखना, चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20, है ना, यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल्स में बताया है, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा चीज़ें, ये आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन वाले। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर, पार्ट ए में क्या पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा, मतलब ये जो फोर्स एफ लगा के जो पुल कर रहा है इसके चलते वर्क डन बताना है, और डिस्टेंस आपको दे दिया है कि 20 मीटर कवर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इधर की तरफ है, कितना है 20 मीटर। फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इधर की तरफ लग रहा है एफ, एंगल पता है थीटा। तो आप बताओ वर्क डन कितना होगा। तो अगर सर ये फोर्स कांस्टेंट होगा तब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो क्या फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है, तब आप सोच के बताओ फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, और भी थीटा तो फिक्स्ड ही है, सब कुछ फिक्स्ड है ना। थीटा जब फिक्स्ड है तो एफ भी क्या होना चाहिए, फिक्स ही होना चाहिए, तो सब कुछ कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा, एफ एस की वैल्यू कितना 20, और इंटू
कॉस्ट थीटा, बट यहाँ पे एफ नहीं दिया हुआ है, तो एफ की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और एफ की वैल्यू निकाल कर रखना होगा। तो एफ सर कहाँ से निकलेगा, तो ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है कि धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जो राइट साइड होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, इसका मतलब राइट साइड जितना फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, और जो लेफ्ट साइड लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यू सेम कर रहा हूँ, दैट मीन्स एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकलना पड़ेगा मुझे, ये तो होता है एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन होगा, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा सिंपली, एंड म्यू की वैल्यू दे दिया 0.2, 0.2। अब एन की वैल्यू बताना होगा, यहाँ पे एन एम जी नहीं होगा, यही तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आप क्या लिखोगे, एन प्लस एफ साइन थीटा, ऊपर वाला जितना फोर्सेस है, एंड दैट इज इक्वल टू नीचे वाला जो फोर्सेस है एम जी, एम जी के वैल्यू डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, है ना, एम जी की वैल्यू डायरेक्टली कितना है 2000, तो ये इतना होगा। तो एन की वैल्यू कितना निकल कर आएगी, 2000 माइनस एफ साइन थीटा होगा, ये होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन होता है, तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, म्यू इंटू एन की वैल्यू कितना हो गया, 2000 माइनस एफ साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, एफ कॉस थीटा। तो ये यहाँ से सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 10 से 0 गया, तो ये 400 माइनस 0.2 एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉमन वगैरह लेकर मैं सारा कुछ इधर उधर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई, कॉमन लिया तो उधर आ गया कितना, कॉस थीटा, एंड प्लस कितना आ गया, 0.2 साइन थीटा। तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टेप की वैल्यू इतना आ गया, एंड थीटा तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो एंड थीटा की वैल्यू दिया हुआ नहीं, तो आंसर थीटा के टर्म में ही लिखना होगा मुझे। तो जो वर्क डन आएगा, एफ की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 400 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा इंटू 20 हो गया ऊपर में, और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर में है, इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ, इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, बेसिक मैथ यूज किया मैंने और कुछ भी नहीं, है ना। तो वर्क डन आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा कितना, 8000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस 0.2 टेन थीटा। एक तो आप आंसर ऐसे लिख के छोड़ दो, बट जो आंसर दिया वो इस फॉर्मेट में नहीं दिया बेटा, इसका जो कॉफिशियंट दिया वो 1 है, तो 0.2 कॉमन ले लो, तो जो बुक में जो आंसर दिया वो कॉमन लेकर दिया, 0.2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 0.2, कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा ऊपर में 10, तो ये हो जाएगा 5, ये भी ऊपर में हो गया 10, और ये हो गया कितना, 4000, कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिजल्ट आ जाएगा W इक्वल टू 40000 डिवाइडेड बाई, नीचे तो आ गया 5 प्लस 10 थीटा, तो ये दिया है बुक में जो आंसर है ना। तो ये हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन ए वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इसका मतलब समझिएगा, मतलब ये जो फोर्स की वैल्यू है वो मिनिमम लगाना है, कब मिनिमम, मतलब स्लोली मूव करने के लिए। तो आपको कंडीशन पता है, फोर्स मिनिमम फोर्स कब लगेगा, तो एक तो आपको यहाँ पे बताया था कि क्वेश्चन नंबर, आप ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 पे जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ये आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन वाले प्लेलिस्ट में, है ना। तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो क्या होगा, किसी ना किसी एंगल थीटा पे ही होगा जो मिनिमम फोर्स होगा, है ना, और उस मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, कितने एंगल पे होगी, इतने एंगल पे होगी, तो ये आप वहाँ जाकर देख सकते, यहाँ मैं वो नहीं बता रहा। तो सब कुछ पता है आपको कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इतना एंगल पता है आपको, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, तब तो आपको वर्क डन पता नहीं है, तो वर्क डन आप कैसे लिखोगे आप सेकंड केसेस में। तो सेकंड केसेस का सिचुएशन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि जो सर
फोर्स जो मिनिमम लगाना पड़ेगा मुझे इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, वो कितना मिनिमम लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा। और एंगल जो थीटा है सर, वो टैन इनवर्स म्यू पे लगाना पड़ेगा। तो टैन इनवर्स म्यू का मतलब हो गया बेटा, म्यू की वैल्यू 0.2। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ लगभग कितना आएगा निकल कर। टैन इनवर्स 0.2, ठीक है, 0.2 का टैन इनवर्स लगभग ये आ रहा है 11 डिग्री के आसपास, 11.30 डिग्री, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, टैन थीटा इक्वल टू 0.2, है ना। और फिर ये बेसिक मेथड है, इससे आप साइन थीटा कॉस थीटा जो भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है बेसिक मेथड, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फिर से सेम डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज कितना दिया हुआ है 20 मीटर, है ना। तो 20 मीटर यहाँ तक क्या फोर्स कांस्टेंट है बेटा, है ना, देख लो सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट होगा। तो हम लोग वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एफ की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.2, एम जी की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था कितना 2000, है ना, एम जी की वैल्यू ही डायरेक्ट दिया हुआ है 2000, तो 2000 हो गया, ठीक है। ये फोर्स है ना, फोर्स ये वाला एफ, इस यहीं पे मैं रख रहा हूँ वैल्यू, है ना, एफ की, अभी ये एफ की जगह ही रख रहा हूँ वैल्यू। एफ हो गया, म्यू हो गया, एम जी हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर का मतलब 0.2 का स्क्वायर। ये अभी आपने एफ की वैल्यू रखी है ना, ये पूरा एफ की वैल्यू है ना, क्योंकि एफ की वैल्यू ये वाला है, ठीक है। इंटू एस, एस की वैल्यू कितना दिया है 20, 20 रख दिया। एंड इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी, यहाँ पे देखो बेटा कॉस थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ डायरेक्ट इस तरह से कर रहा हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद चेक कर लेता हूँ मैं रिजल्ट क्या आता है। तो ऊपर आ गया 2000 इंटू 0.2, तो इक्वल टू आ गया 400 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 1.04 आ जाएगा नीचे रूट, तो 1.04 का रूट तो ये आ गया 392 अप्रोक्सीमेटली, इंटू 20 हो गया, एंड इंटू कॉस 11, इंटू 11.30 का कॉस इक्वल टू आ गया ये लगभग 7692। तो लगभग ये आ गया कितना 7692। एंड यूनिट तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, है ना, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है बट अगर आप रिलेशन यूज करते हो तो लेंदी भी नहीं है, ये तो मैं बस इतना समझाने के लिए ही ये पार्ट लेंदी हो गया है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।